बच्चों आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का मिशन गणित के तहत दिनांक 2 दिसंबर 2023 का एक्टिविटी शीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है सर्कल यानी वृत्त, जो चैप्टर नंबर 10 के तहत आता है। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिविटी शीट में टू वेरीफाई बाय पेपर फोल्डिंग दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कागज को मोड़कर यह सत्यापित करना कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंबवत है। तो हम स्पर्श रेखा के बारे में एक बार रिकॉल कर लें, जो पिछले वर्कशीट में हमने देखा था। जो देखिए ये वृत्त है, वृत्त के यदि एक बिंदु पर टच कर हम लाइन खींचते हैं, यदि ये लाइन इसको एक बिंदु पर टच करते हुए निकल जाती है, छूते हुए निकल जाती है, स्पर्श करते हुए निकल जाती है, तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जहाँ पे वृत्त के साथ मिलती है उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और जो इस तरह से छेद करते हुए काटते हुए निकल जाए इसको छेदक रेखा सिकेंट कहते हैं। और सिर्फ दो बिंदु को टच करे, छुए वृत्त के अंदर के बिंदु को छुए, बाहर नहीं निकले, तो इसको जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है, यानी केंद्र से होकर के जाती है, वो व्यास कहलाती है यानी डायमीटर। अब चलते हैं, हमें कह रहा है ये जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु इसके केंद्र से स्पर्श इसका जो केंद्र है वो यहाँ से यदि हम इसको मिलाने वाली त्रिज्या है वो इस पे लंबवत होता है यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। वो हम पेपर फोल्डिंग के द्वारा इसमें सीखेंगे। हमें इससे पहले जो पूर्व अर्जित ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, हम वृत्त जानते हैं और वृत्त की त्रिज्या भी जानते हैं और एक वृत्त की स्पर्श रेखा भी जानते हैं, अर्थात हम सर्कल रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल भी जानते हैं। इसके लिए मटेरियल चाहिए, एक ज्योमेट्री बॉक्स, ट्रेसिंग पेपर और स्केच पेन। अब करना क्या है, हमें करना है एक आयताकार टुकड़ा लेना है, ये एक पेज लेना है आयताकार टुकड़ा का पेज। अब इस पे अपने सुविधा अनुसार एक वृत्त बना ले, ट्रेस पेपर से एक वृत्त बना ले और उसके केंद्र को का नाम ओ दे दे। सुविधाजनक आप जो भी सुविधा हो उतनी त्रिज्या का एक सर्कल बना ले। अब सर्कल बनाने के बाद क्या करना है, उस पे एक बिंदु ले लेना है और बिंदु से कागज मतलब सर्कल के बाहर एक किनारे पे एक बिंदु ले लेना है और उससे एक स्पर्श रेखा खींचनी है और फिर उसको स्पर्श रेखा MN ले लेते हैं जहाँ पे P पे वो मिलता है। अब OP को यहाँ से मिला देते हैं, OP को मिलाया। अब इसको क्या करना है, इस पेपर को फोल्ड करना है, मोड़ना है, यानी इसको इस पार्ट को उठा करके M वाले मतलब N वाले पार्ट को ऐसे करके पेपर को यहाँ से मोड़ते हुए इसको फोल्ड करते हुए M पर ले जाना है, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाए। अब देखेंगे क्या ये ठीक बीचों बीच ये पूरी तरह से ये इसको काट रहा है, यानी एक यहाँ अर्ध गोले की तरह हो जाएगा, ये अर्धवृत्त की तरह हो जाएगा।
अब ये दो अर्धवृत्त हो जाएंगे, यहाँ पर अर्धगोला दिया हुआ है, अर्धगोला नहीं अर्धवृत्त, सेमी सर्कल हो जाएगा, यानी दो बराबर भागों में बांट देता है ये। तो पी पर जो बना हुआ कोण था वो उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, यहाँ पे जो कोण था उसको दो बराबर भागों में ये बांट रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से ढक जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से क्या हुआ, अब आप जानते हैं ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा था, तो सरल रेखा पे जो कोण बनता है x प्लस एक्स इजकल टू 180 बनना चाहिए था m प्लस एम एन पे, तो ये 2x बराबर में 180, तो x बराबर में 90 डिग्री हो गया ये। तो हमने क्या सीखा, किसी भी वृत्त पर किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु या संपर्क बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, यानी इंग्लिश में हम द टेंजेंट टू एनी सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।